का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो RSCIT का कल 20 तारीख को एक एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की। मैंने पहले जो डाली थी वो मेरे द्वारा बनाई हुई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने वर्धमान महाबीन ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने कल एग्जाम के जो RSCIT की आंसर एक्चुअल आंसर की है वो डाल दी है। और इस आंसर से आपको किस तरीके से मैच कराना है, इसके अकॉर्डिंग 14 क्वेश्चन सही हो जाएंगे वो स्टूडेंट पास होगा, और उसका रिजल्ट आने पर भी वो पास रहेगा, वो अपने आप को पास मानेगा। और यदि उसके 14 से एक भी कम रहता है, 13 या 13 से कम क्वेश्चन सही होते हैं इस आंसर की के अकॉर्डिंग, तो वो फेल हो जाएगा, उसको दोबारा से एग्जाम देना होगा। और उसके लिए आपके पास में सेंटर से कॉल आ जाएगी और मैसेज भी आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो 14 से ज्यादा है इस आंसर की के अकॉर्डिंग, या इससे पहले वीडियो थी वो मैंने एक आंसर की बनाई थी, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, तो इसके अकॉर्डिंग यदि वो पास है तो वो अपने आप को पास मानेगा, वो पास हो जाएगा आने वाले रिजल्ट के अंदर। तो आपको देखो क्या करना है, आपको इसको इस तरीके से मैच कराना है कि आंसर की ये 20 तारीख वाले की आपको पेपर के ऊपर देखना है सबसे पहले कि आपका पेपर ए है, बी है, सी, डी, क्योंकि वो पेपर जो है 3 सीरीज में हुआ था उस पे सबसे बड़े अक्षरों में लिखा होगा ए, बी, सी, डी, उसको देखना है। उसके बाद में ए वालों को ए के और बी वालों को बी सीरीज वाले आंसर, सी को सी के और डी वालों को डी के, इसके आंसर मैच कराने। तो यहाँ आपको देख सकते हो 14 क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में 14 से आगे, यानी कि आपको यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये 15 से और 31 तक यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आप आराम से देख सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो, रोक के देख सकते हो। और इसके बाद में 30 के बाद 31 से यहाँ पे ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको कभी भी अगर देखना है तो एक्चुअल आंसर की कौन सी है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो नीचे जो लिखा हुआ है बाकायदा, ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का साइन भी है और ये आंसर की है। और बाकी जो थोड़ा गूगल से सर्च कर लेते हैं अगर वो इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको वहां से देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि जो कल का एग्जाम हुआ है उसके आंसर की क्या है। और आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जो इस आंसर की के अकॉर्डिंग अपने आप को चेक करता है वो मुझे ज़रूर बताएगा इसी वीडियो के कमेंट्स में कि उसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत है, ताकि मैं बता सकूं कि पास है या फेल है, ठीक है। और मुझे भी कन्फर्म हो जाएगा तो मैं उसके लिए अधिक जानकारी दे सकता हूँ। और इस वीडियो को देखने वाले यदि नए यूजर हैं और आपके उसमें वीडियो में सब्सक्राइब बटन वाला लाल हो रहा है, तो उस वाले लाल बटन को सब्सक्राइब को क्लिक करें और बेल बटन दबाएं। यदि आप पुराने यूजर हैं तो आप बेल बटन नहीं दबाएं, ताकि आपको सब्सक्राइब इसलिए करना होता है चैनल को ताकि आपको वो जो नए नोटिफिकेशन वो मिलते रहें, रिजल्ट आएगा वो भी आपको मिल जाएगा इसी के थ्रू, सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे और कंप्यूटर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वो मिलते रहेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें दोस्तों को। और इसके लिए आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।